हल्द्वानी के गोलापार स्थित सुल्तान नगरी छकाता रेंज के अंतर्गत आने वाले वन विभाग का दुर्लभ वृक्ष प्रजाति संरक्षण केंद्र और केकटी कंजर्वेशन सेंटर की कोई सूद लेने वाला नहीं है। सिर्फ एक माली अकेले ही समिति संसाधनों से काम चला रहा है, जबकि इसे जो है 2015 में जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था वो उद्देश्य तत्कालीन DFO डॉक्टर चंद्रशेखर सनवाल के जाने के बाद सही से निभाया नहीं जा सका। यहाँ कार्यरत इकलौते माली का कहना है कि कभी कभार अधिकारी आकर हाल जान लेते हैं, मगर इसको संवारने के लिए किसी ने ही नहीं सोचा। इन दो पार्कों में एक पार्क में दुर्लभ वृक्ष प्रजाति संरक्षित किए गए हैं जो अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, जबकि दूसरे पार्क में कैक्टस की 7 किस्मों को संजोया गया है जो काफी आकर्षक है। वहीं दोनों ही पार्कों के हालात जीर्ण-शीर्ण भी हो चुकी है। माली ने बताया कि हाथियों के तांडव के चलते एक हट भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिसे अभी तक दोबारा नहीं बनाया जा सका। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण केंद्र है, उसके बगल में एक कैक्टस गार्डन भी है, तो मेरे द्वारा स्वयं वन संरक्षक महोदय के साथ उसका निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के उपरांत जो है संबंधित वन क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि उसे जो चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया गया है, कहीं कहीं पर तार टूटा हुआ था उसको ठीक कर दिया जाए। उसके हर स्पीसीज के बोर्ड्स लगे हुए हैं तो वो काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो उनको दर्शाने के लिए निर्देश